किया है और पाकिस्तान से बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसका टोटल खर्चा सारा गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है। यहाँ पे वेट बहुत करवाते हैं, अपॉइंटमेंट मिलते नहीं है डॉक्टर के। अब एडवांस में किसको पता होता है भाई कि मेरा पेट दुखने वाला है, दो दिन बाद बोलेंगे भी है फुली बुक्ड, वी नॉट टेकिंग वॉक-इन्स। तो उन सिचुएशन में तुम थोड़ा फंस जाते हो। देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ कर लेते हैं हम। डॉक्टर जो है बहुत ही ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो वो सिर्फ यही बोलेंगे बस पेनाडोल ले लो, न्यूरोफिन ले लो और आप ठीक हो जाओ। पेनाडोल ले लो, न्यूरोफिन ले लो, भैया मेरे को कट गया पेनाडोल न्यूरोफिन, भैया मेरे को हार्ट अटैक आ रहा पेनाडोल। अच्छी असरदार दवाई देने से पहले ये बहुत ज्यादा सोचते। इंडिया में तो एंटीबायोटिक्स अपना फार्मेसी वाले ही दे देगा, इंडिया में होता तो लाइक डॉक्टर तुरंत देख के बता देता टाइफाइड एंड दिस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही हो गया डॉक्टरों का कि देखा हम इमीडिएटली जज नहीं कर पाते हो, तो होता है कि आपने हाई डोज दिया तो देयर हैज टू बी सम सॉलिड रीजन की कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो यहाँ पे होते ही नहीं, जैसे आप टाइफाइड यहाँ पे इट डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पे टाइफाइड मलेरिया नहीं होता। तो ये अपना एक्सकेवेटर ये तो छोड़ो, कम ऑन लेट्स पुट ऑन योर शूज, यू रेडी टू गो? नो इट्स इन द बैग, चलो 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 चलो। हाँ भाई ये कुछ नहीं, बस इसको छोटे को छोड़ने जा रहे थे, यान को छोड़ने जा रहे हैं जरा अभी, चाइल्ड के नॉर्मल दिन चल रहा है अभी, जस्ट उठा था मैं आज, बढ़िया नींद आई है मस्त। आज अंजलिका एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास ले जाना है, हाँ कोई पता है देखो इसलिए बार बार बोल रहा है बस। तो हेलो भाई पहुंच गए चाइल्ड के राजा आजा, यू ब्रिंग द टॉयज, यू कांट टेक द टॉयज इनसाइड, वी हैव टू कीप इट, सो लेट्स गो। पहुंच गया भाई घर वापस, अभी होते हैं रेडी वेडी। हाँ दोस्तों दोनों रेडी हो गए, अंजलि भी और मैं भी, और कियान को तो आपके सामने ऑलरेडी छोड़ दिया था, बस अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास में उसका चेकअप कराने के लिए। कितना तेज हो रही है धूप, सनग्लासेस सही है भाई, बेटर नाउ। हाँ एनीवेज तो दोनों रेडी हो गए हैं, बस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स का कैसा हिसाब होता है यार, कितना चार्ज लगता है, क्या होता है, क्या सर्विसेज इंक्लूडेड होती है और इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ के डॉक्टर्स कैसे होते हैं। ठीक है तो वाली सारी हम करेंगे डिस्कशन और आपको बताएंगे उस बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स का क्या हिसाब होता है। ठीक है हाँ तो दोस्तों निकल गए हैं बस यार, इंडिया के कंपैरिजन में जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में मेडिकल सर्विसेज के, और कुछ नुकसान भी है, नुकसान तो क्या मतलब कुछ नेगेटिव्स भी है। तो बेनिफिट्स में मेनली तो आपका ये हो जाता है कि अगर आप यहाँ के रेसिडेंट्स हो तो आपको मिलता है यहाँ पर एक मेडिकेयर कार्ड, मेडिकेयर कार्ड मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है और वो सारी सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड होती है आपकी। ठीक है मेडिकल का टोटल कवरेज आपका फ्री होता है। ठीक है आपको कुछ भी मेडिकल डॉक्टर के पास जाना है, सर्दी बुखार जुकाम वगैरह जो भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपका जो सारा चार्ज है वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है तो आपका कुछ भी पे नहीं होता है। अगर आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज भी चाहिए पता तो वो भी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारी कवर्ड होती है, आपका स्कैन वगैरह हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट फुल आपका मेडिकेयर कवर रखती है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि उसमें कई बार स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत क्यू वगैरह भी होता है तो उसमें टाइम लग सकता है आपको, तो या फिर आप प्राइवेट हेल्थ करवा लो इंश्योरेंस, काफ़ी लोग करवा के भी रखते हैं, या आप गवर्नमेंट के थ्रू चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई, अब घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई, जीपी ने देखा बोले हाँ घुटने में प्रॉब्लम है, अब पब्लिक हॉस्पिटल में आप नंबर लगाओगे तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाए, 6 महीना साल भर वो ट्रीटमेंट के लिए अगर नॉन इमरजेंसी होता है तो। बट अगर प्राइवेट में हो आपको, ऑफकोर्स अगर आपका खुद का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो चीज़ आप काफ़ी जल्दी करा सकते हो, बाकी कवरेज तो फुल ही होता है। मैं और अंजलि हम भी मोस्टली मेडिकेयर पे ही रहे हैं थ्रू आउट द टाइम और बहुत बढ़िया हमारा सारा कवरेज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से टोटल हुआ है। अभी अंजलि की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसका टोटल खर्चा सारा गवर्नमेंट ने किया, हमको कुछ भी नहीं डालना पड़ा है, लाइक चेकअप से लेके रूटीन से लेके स्कैन से लेके डिलीवरी विलीवरी सब कुछ टोटल गवर्नमेंट से इंक्लूडेड हुआ है। वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है, बहुत सिमिलर होते हैं। प्राइवेट में ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक एज होती है सर्विसेज की, बाकी मोस्टली सारे सिमिलर होता है। तो कियान की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें हमको कुछ पे नहीं करना पड़ा था, अभी की जो प्रेगनेंसी उसमें थोड़ा सा भी रूल चेंज हो गए तो कुछ कुछ स्कैन्स के लिए तुमको हल्का सा पे करना होता है अगर एक्स्ट्रा करवाने होते तो, बाकी फिर भी मोस्टली आउट ऑफ पॉकेट तुम्हारा इतना कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड विच इज़ अ रियली गुड थिंग यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ नेगेटिव्स की यहाँ के डॉक्टर की तो भाई यहाँ पे वेट बहुत करवाते हैं एक्चुअली डॉक्टर, जब भी जाओ ना चाहे तुम अपॉइंटमेंट ले लो उनसे 10 बजे का तो भी कम से कम 45 मिनट्स का वेट करवाते हैं, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि कई बार तुमको साला मिड ऑफ द वीक में जाना रहता है, जॉब से जाना रहता है और वो सारी चीज़ में तुम अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी तुमको वेट करना रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलते नहीं है डॉक्टर के, मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो सारे टोटली बुकड आउट होते हैं, तो मतलब अगर तुमको कुछ बीमारी हो रही है ना तो तुमको पहले से एडवांस में बुक करना है। अब एडवांस में किसको पता होता है भाई कि मेरा पेट दुखने वाला है दो दिन बाद, तो हाउ कैन यू बुक इट इन एडवांस, यू नो वॉक इन्स मोस्टली लेते नहीं है लोग, जैसे उनको कॉल करोगे यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है कैन आई सी ए डॉक्टर, बोलेंगे वी आर फुली बुक्ड वी आर नॉट टेकिंग वॉक इन्स, मतलब तो तुम ऐसे फंस जाते हो कि
अब हॉस्पिटल तो है ऑफ कोर्स इमरजेंसी वगैरह के लिए, अब तुम्हारी इमरजेंसी भी नहीं है और ना ही एकदम ऐसा इशू है कि तुम सॉल्व भी कर लो घर पे, ठीक है, तो उन सिचुएशन में तुम थोड़ा फंस जाते हो अगर तुम्हारा अपॉइंटमेंट वगैरह बुक नहीं है। जैसे कि यान का ही एग्जांपल ले लो, अब बच्चा हमारा थोड़ा बहुत सिक होते ही है, मतलब शुरू स्टेजेस में उनका इम्यूनिटी डेवलप होता है, कई बार तो ऐसा होता था कि लाइक शुरू में हमको एकदम बीमार हो गया एंड वी लाइक कैन यू बी माय चाइल्ड यू नो ही सिक वगैरह, बोले नहीं हम फुली बुक्ड है, दूसरे मेडिकल सेंटर पे कॉल करो फुली बुक, बुकिंग वाला सिस्टम चलता है और बच्चे का नंबर भी नहीं लग पाता है। फिर क्या है कि अब इमरजेंसी में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इतना बड़ा इशू होता नहीं है। नाउ व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग कि हमें ना थोड़ा एडवांस में बुक कर लेते हैं, देसी जुगाड़ कर लेते हैं, हम 2-3 अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं पहले ही नेक्स्ट वीक के, पता नहीं कब बच्चा बीमार हो जाता, पता होता नहीं, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो उसको एक दिन पहले कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा कुछ भी उसमें जाता नहीं है, बट एटलीस्ट अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो यू ऑलरेडी हैव अपॉइंटमेंट बुक्ड इन विद द डॉक्टर। फिर भी अगर बुक्ड अपॉइंटमेंट है और आपने अपॉइंटमेंट किया आई थिंक 2 घंटे पहले तक इन्फॉर्म नहीं किया तो दे स्टिल चार्ज अ माइनर कैंसिलेशन फीस फ्रॉम गवर्नमेंट। ये एक दूसरा नेगेटिव है। तीसरा नेगेटिव है भाई, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब कि यहाँ पे आप 90% ऑफ इश्यूज आपके लेके जाओगे ना मेडिकल सेंटर में तो वो सिर्फ यही बोलेंगे बस पेनाडोल ले लो न्यूरोफिन ले लो और आप ठीक हो जाओ, पेनाडोल ले लो न्यूरोफिन ले लो और आप ठीक हो जाओ, बस सो जाओ आप ठीक हो जाओगे, भैया मेरा पेट दुख रहा पेनाडोल न्यूरोफिन, भैया मेरे को कट गया पेनाडोल न्यूरोफिन, भैया मेरे को हार्ट अटैक आ रहा पेनाडोल, मतलब हर चीज में बस पेनाडोल न्यूरोफिन ही देते हैं जीपी, मतलब और कोई भी मतलब थोड़ी सी अच्छी असरदार दवाई देने से पहले ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स देने से पहले ये पहले सारी ट्रीटमेंट कर देंगे कि नहीं यार पेनाडोल ले लो न्यूरोफिन सब कुछ, फिर कुछ काम नहीं कर रहा फिर जाके एंटीबायोटिक्स देते हैं। इंडिया में तो एंटीबायोटिक्स अपना फार्मेसी वाले ही दे देगा, क्या हो रहा है बुखार हो रहा है ये लो ये 2 पिल ले जाओ और आप ठीक हो जाओगे, तो यहाँ पे वो प्रोसेस ओरिएंटेड वाला काफी चीज होता है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर में बीच में थोड़ा सा सिक हो गया था तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, अब उन हॉस्पिटल मेरे को टाइफाइड हो गया था एक्चुअली इंडिया से आया था मैं जब, अब वो हॉस्पिटल वालों को एक हफ्ता तो मेरा सिर्फ टाइफाइड को डायग्नोस करने में लगा एंड आई वाज रियली सिक बाय देन। इंडिया में होता तो लाइक डॉक्टर तुरंत देख के बता देता टाइफाइड एंड दे स्ट्रेट अवे डू द ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस जरूर होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोलो या हाँ इतने पेशेंट भी नहीं आते ना तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही हो गया डॉक्टरों का कि देखा इमीडिएटली जज नहीं कर पाते हो तो सारे टेस्ट करवाएंगे, ये टेस्ट भी करवा लो वो टेस्ट भी करवा लो वो टेस्ट भी करवा लो, सारे टेस्ट करवाएंगे जब तक रिजल्ट आता बेचारा बंदा तो ऑलरेडी बीमार ही हो जाता काफी सीख हो जाता है, बट एनीवे सो प्रोसेस ओरिएंटेड करके चलते हैं। अल्टीमेटली सीधे हाई डोज दे नहीं सकते हैं, यहां का प्रोसेस ही वो होता है कि आपने हाई डोज दिया तो देयर हैज टू बी सम सॉलिड रीजन कि इसलिए दिया है कि ये टेस्ट में आया था इसलिए दिया है, सडनली ऐसे बस अंदाजे में नहीं देते वो पूरा, क्योंकि यहाँ पे क्या लाइफ कुछ भी अगर हो जाए पेशेंट को तो बड़े बड़े लॉ सूट हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं डॉक्टरों के खिलाफ हॉस्पिटलों के खिलाफ, तो इसलिए दे आर वेरी केयरफुल कि एकदम नहीं कि बस यार इससे हो जाएगा करके दे देते, दे हैव टू फॉलो प्रोसेस वैसा वाला से। बाकी अल्टीमेटली जो तुमको सॉल्यूशन मिलता है जो ट्रीटमेंट वगैरह मिलता है वो बहुत क्वालिटी वाला मिलता है, मतलब प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करी जाती है, कोई भी पैच जॉब नहीं करी जाती, थोड़ा बहुत टाइम लगता है वगैरह वगैरह लेकिन अच्छे से ही ट्रीटमेंट मिलता है तुमको प्रॉपर वाला। तो बीमारियां यहां होती भी नहीं है ना, जैसे लास्ट ईयर जो तुमको हुआ था वो टाइफाइड था व्हिच इज यहाँ होता ही नहीं है किसी को, exactly. ये बाहर की कंट्री से ही आता है तो इसलिए वो उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं होते है, जो यहाँ कॉमन चीजें होती है फीवर नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स ये वो तो उसको वो इजीली ट्रीट कर देते हैं। हाँ, तो समथिंग जो आउटर कंट्री से तुम एकदम लेकर आए हो इट्स नॉट इजी टू, तो इसलिए उनको पूरा डायग्नोस करना पड़ता है कि एग्जैक्टली है क्या पहले क्या इशू, क्योंकि यार सही बात है ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो यहाँ पे होते ही नहीं, जैसे आप टाइफाइड और मलेरिया ये हमारे इंडिया में थोड़ा कॉमन होता है लोगों को होते रहता है तो दे डॉक्टर्स वहाँ पे ट्रेंड होते हैं उस चीज के लिए, यहाँ पे दिट डजन एग्जिस्ट, यहाँ पे टाइफाइड मलेरिया नहीं होता, जिसको भी होता है वो बाहर से ही लेके आता है मोस्टली, ठीक है। मुझे भी टाइफाइड हुआ था मैं आई केम बैक फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए भी शायद डॉक्टर थोड़ा उस चीज के लिए यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड और एक्सपीरियंस कम होते हैं। हाँ, अब रही बात अगर आप अगर इंश्योर्ड नहीं हो या अगर आप यहाँ की पीआर नहीं हो तो यहाँ पे डॉक्टर का जो कवरेज होता है आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, आपको सिंपल सी चीज है, और इंश्योरेंस में आपके नॉर्मल जो जीपी का कवर दूसरे चीज का कवर ये सब होता है। अब इंश्योरेंस एक टाइम पे तो चलो थोड़ा सस्ता होता था, अभी थोड़ा एक्सपेंसिव सा होने लगा है, मतलब कि एक बंदे का आपका रफली मान लो आप नॉर्मल बंदा इंश्योरेंस कराएगा तो $100 तो मंथ का वीक का मान के चलो सॉरी तो आपका लगभग $400 तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का लग जाता है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको कराना हो, जैसे आप स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो उनको भी ओवरसीज हेल्थ कवर करवाना पड़ता है, स्टूडेंट का कवर करवाना पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है भाइयों। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में किसी भी चीज का, गाड़ी का हो तुम्हारा हो ये हो,
वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल बहुत लंबे चौड़े बनते हैं। कोई भी इश्यू हो तो, गाड़ी का हो, तुम्हारी हेल्थ का हो, कुछ भी हो, हॉस्पिटल विजिट वगैरह, मतलब 20,000-40,000 डॉलर, मतलब 20 लाख-15 लाख ऐसे बिल बनते हैं तुम्हारे। तो अगर इंश्योरेंस नहीं है और एक भी बार अगर तुमको जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल वगैरह विजिट करने की, तो बहुत लमसम में बिल बनता है। जैसे एम्बुलेंस का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अगर आप थोड़ा सा बीमार हो, अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई, अगर आपको इंश्योर्ड हो और एम्बुलेंस कवर है तो ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास एम्बुलेंस कवर नहीं है तो सिर्फ एम्बुलेंस बुलवाने का जो चार्ज लगता है वो लगता है आपका करीब $2,000, ठीक है। तो ₹1,00,000 आपका सिर्फ एम्बुलेंस का चार्ज लग जाता है अगर इंश्योर्ड नहीं हो तो आपको। तो ये थोड़ी सी इंश्योरेंस वगैरह रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी, और अगर आपका किसी तरह का भी कवरेज नहीं है तो। अब रही बात डॉक्टर विजिट्स की, कई बार क्या होता है कि मान लो चलो आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपको जस्ट एज ए नॉर्मल विजिट करना डॉक्टर को, तो उसका चार्ज लगता है आपका एनीवेयर बिटवीन $60 to $100 डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, वो कितना प्राइवेटली चार्ज करते हैं। तो हाँ, तो एक और चीज़ डॉक्टर से रिलेटेड ये भी भाई यहाँ पे, कि यहाँ जो है एजुकेशन तो ऑफकोर्स डॉक्टर की काफ़ी, मतलब आपको पढ़ाई करनी है तो वो तो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। और जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान से बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बाहर से डिग्री करके आए, बट यहाँ पर आकर भी उनको फिर एक असेसमेंट करना होता है, और उसके बाद में यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस, जीपी प्रैक्टिस वगैरह चालू कर सकते हैं डॉक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जो डॉक्टर्स आप जाओगे स्पेशली इधर वेस्ट एरिया में, तो इंडियंस ही मिलेंगे आपको, तो उसका काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। और मुझे लगता है ओवरऑल जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स यहाँ फिर भी कम है फॉर द एरिया वगैरह के लिए, इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ और अपॉइंटमेंट और सारी चीजें लगती है। अच्छे और एक्सपीरियंस डॉक्टर कम है, आई थिंक कुछ एक जो होते हैं, एक मेडिकल सेंटर में एक दो डॉक्टर होते हैं जो हर कोई प्रेफर करता है उन्हीं से अपॉइंटमेंट बुक करना, और वो बुक्ड आउट होता है। हाँ, ऐसा होता है भैया, आधे डॉक्टर तो गूगल करते बोले इस इश्यू का, हाँ ये फलाना ये लो, हाँ, वो एक उनका प्रोसेस होता है कि ये हो रहा है तो ये दवाई देना है। जो अंजलि को ड्रॉप कर दिया, चलो लकीली मिल गई पार्क यहीं पे, होपफुली यहाँ से जाते हैं बीवी के पास। हॉस्पिटल में अभी भी मास्क है भाई, ग्रीन लाइन फॉलो, पहुंच गया हॉस्पिटल में, हमको ग्रीन लाइन फॉलो करनी है, ऐसा बना रखा है। देखो भाइयों, हिंदी पंजाबी सारी लैंग्वेज में बता दिया इन्होंने, मर्सी हेल्थ हॉस्पिटल में चेक इन करने के लिए। हो गया भाई, हो गया मतलब चेकअप वगैरह दोस्त। हाँ भाई, हो गया डॉक्टर का चेकअप वगैरह, सब कुछ एकदम बढ़िया A1 नॉर्मल निकला है, कोई टेंशन नहीं है। पहुंच गए भाई होम स्वीट होम वापस, गाड़ी को लगा देते हैं चार्जिंग पर, क्योंकि थोड़ा सा लिमिट हो गया है, कम हो गया है चार्ज। इतनी धूप तो है नहीं बट फिर भी हो जाएगी चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली आपको ये एक्सपीरियंस भी पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत डॉक्टर की यहाँ पे किस तरह से होता है सीन, डॉक्टर की जानकारी लेके भी मजा आया होगा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए हम बोलते हैं बाय, वापस घर आ गए, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो बाय।